मान्य सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय फिर ये नहीं चलेगा, यदि वो हल्ला करेंगे यहाँ नहीं चलेगा। इन मणिपुर आज इंसाफ मांगते हैं, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष, बताइए। यदि वो हल्ला करेंगे यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ संसद में इन 72 घंटों में क्या होने जा रहा है? क्या ये 72 घंटे मोदी सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है? न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, आप में से कोई भी बचेगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आएगा। हम 4% के साथ वापस आएंगे। आखिर इन 72 घंटों की बहस का अंजाम क्या होगा? आज जब वो मणिपुर क्यों नहीं, बेटे को सेट करना है और दमाद को फेंक करना है। इन 72 घंटों के लिए विपक्ष का गेम प्लान क्या है? क्या इन 72 घंटों में मोदी सरकार के लिए कोई खतरा है या ये विपक्ष का सिर्फ एक राजनीतिक दाव है? ये मोदी सरकार के प्रति अविश्वास का टेस्ट है या विपक्ष की अपनी ताकत के विश्वास का टेस्ट है? 72 घंटों में शक्ति प्रदर्शन के नतीजे का क्या होने जा रहा है वो हम आपको 3 दिन पहले ही दिखाने जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। एक तरफ मोदी सरकार और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया, और दोनों के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनी है संसद, और सामने हैं कई बड़े सवाल। ये समझने से पहले लोकसभा में नंबर गेम को समझना जरूरी है। लोकसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या है 538, बहुमत का आंकड़ा है 270, सरकार के साथ हैं 365, सरकार के खिलाफ हैं 155, जिनका स्टैंड साफ नहीं वो सांसद हैं 18। नंबर गेम देखकर किसी को भी शक नहीं कि प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं। विपक्ष के पास सरकार से आधे नंबर भी नहीं है, फिर भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास लाने का क्या मकसद है? आखिर अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष का गेम प्लान क्या है? मोदी सरकार के खिलाफ 5 साल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? ये मोदी सरकार के प्रति अविश्वास से ज्यादा खुद विपक्ष की अपने भीतर विश्वास की टेस्टिंग है। इससे ये हुआ कि विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ संसद में सीधे अटैक का मौका मिल गया। अब मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी को संसद में बयान देना पड़ेगा, इसके जरिए विपक्ष की एकजुटता का परीक्षण भी हो जाएगा। यही नहीं, विपक्ष अपने असली सहयोगियों की पहचान भी कर लेगा। इस बहस के जरिए इंडिया गठबंधन की ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। इंडिया नाम का सियासी गठबंधन दिल्ली वाले विधेयक पर अपनी ताकत की पहली टेस्टिंग कर चुका है। राज्यसभा में दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल पर सरकार के पक्ष में 131 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 102। इस रिजल्ट की चर्चा बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया, इसका नतीजा सबके सामने है। दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल पर कुछ सांसदों की अनुपस्थिति से विपक्ष में बिखराव की अटकलें लगने लगी हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरणों पर छाई धुंध भी छटने लगी। मसलन बीजू जनता दल ने सरकार का साथ दिया, यानी उसकी इंडिया गठबंधन में नो एंट्री कंफर्म हो गई। YSR कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को वोट दिया, यानी इसकी पुष्टि हो गई कि जगन मोहन रेड्डी भी विपक्ष के साथ खड़े नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पीछे भी विपक्ष का इन्हीं संभावनाओं और आशंकाओं की परख करने वाला
गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि पूरा गेम 2024 का है। हालांकि कांग्रेस इसके बहाने मणिपुर मुद्दे पर सरकार की घेरेबंदी कर रही है। सर, साफ साफ तीन सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला, आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए? सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? जमीन पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसीलिए विपक्ष मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ माहौल और मोमेंटम बनाना चाहता है। कुछ ऐसी ही कोशिश 2018 में विपक्ष ने की थी। तब अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम मोदी विपक्ष पर भारी पड़े थे। इस बार भी प्रधानमंत्री का जवाब अभी बाकी है। आप इतनी तैयारी करो कि 2023 फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले।